करते हैं। तुषार सर प्रथम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ पुणे में पांचवी राष्ट्रीय स्पर्धा नॉर्थ इंडिया के। आप दूसरी बार इधर आए, आप इंडिया कैंप भी आप किया, आपने क्या फील करते हो आप आज के ग्राउंड में? पुणे में जब भी मैं आता हूँ मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज यहाँ पे हमने काफी ऑलमोस्ट 4 साल हमने यहाँ पे इंडिया कैंप किया हुआ है, तो ये एक होम जैसा है, हमारा एक घर जैसा यहाँ पे बन चुका था, एक माहौल क्रिएट हो चुका था यहाँ पे। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है पुणे आने के बाद जब भी हम यहाँ पे आते हैं। और ये सेकंड नेशनल है, मैं पुणे में हॉकी इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। फर्स्ट ईयर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया और सेकंड ईयर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से अच्छा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा टूर्नामेंट होगा और नए लड़के हमारे इंडियन टीम के लिए मिलेंगे यहाँ से, जो कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। सर सर, आप यूपी को लीड कर रहे हो, आपके टीम के बारे में थोड़ी बता देना। यूपी जैसे कि सभी जानते हैं, यूपी हॉकी का एक गढ़ है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी 5-6 जगह है जहाँ पे काफ़ी हॉकी होती है, यूपी उनमें से एक जगह है जहाँ पे काफ़ी हॉकी होती है। और अभी टीम में काफ़ी अच्छे लड़के हैं, जैसे दानिश है, ललित उपाध्याय है, आमिर खान है, देवेश चौहान है, और टीम अच्छी है हमारी। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं, ऑन द फील्ड हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑफ द फील्ड हमारे पास काफ़ी नाम है, बट ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पोल में है, महाराष्ट्र होस्ट है, आप क्या फील करते हो महाराष्ट्र के बारे में? ठीक है, महाराष्ट्र में एक हॉकी का एक गढ़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसा उनका नाम है एक हॉकी में, इंडियन हॉकी में महाराष्ट्र का, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ से आए हैं, धनराश पिल्ले, विक्रम पिल्ले, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ से आए हैं, वीरेंद्र रस्कीना भी महाराष्ट्र के हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मैच होगा हमारा, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इट्स नॉट अबाउट पेपर के ऊपर नहीं होगा, जो अच्छा खेलेगा ऑन द फील्ड वही जीतेगा मैच। अटैकिंग और डिफेंस क्या आपका मेन रोल क्या है? अटैकिंग डिफेंस में मेरा पॉलिसी, अगर मेरा ओन, अगर आप मेरा पॉलिसी पूछेंगे तो मेरा पॉलिसी ऐसा होता है कि मैं 11 के साथ डिफेंड करता हूँ, और अटैक करने के लिए एक भी काफ़ी होता है, लेकिन डिफेंड करने के लिए 11 चाहिए होते हैं मेरे को, तो मैं सोचता हूँ कि 11 लोगों से डिफेंड किया जाएगा और अटैक करने के लिए एक आदमी ही काफ़ी है। अपने इंडियन टीम से बहुत सारे गोल मारे हैं, अच्छा फॉरवर्ड ऑल फॉरवर्ड में खेलते हो, ऑल फॉरवर्ड लाइन में खेलते हो, आपका प्राय क्या उत्तर यूपी के लिए? मेरा यूपी के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं ओवरऑल परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल परफॉर्म करना चाहता हूँ यूपी के लिए, गोल मारना भी चाहता हूँ, गोल करवाना भी चाहता हूँ, गोल बचाना भी चाहता हूँ। लेट्स सी मैं कितना सक्सेस होता हूँ। मेरा पहला एम ये होगा कि यूपी गेम जीते, मैच जीते, एंड ऑफ द डे अगर मैंने कुछ यूपी के लिए किया तो अच्छी बात होगी, अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरा मेन एम यही रहेगा कि यूपी जीते। एक कॉमन मैन पर्सन के लिए आप, यानी कि आपको लगाव कैसा लगा जो हॉकी जो है, एक्चुअली क्रिकेट और इतर जो पैसा ज़्यादा है, फिर भी हॉकी में लगाव कैसा लगा आपको? एक्चुअली हॉकी मेरा फैमिली गेम है, मेरे फादर भी खेलते थे हॉकी, और मेरे अंकल भी इंटरनेशनल प्लेयर थे इंडिया के लिए खेले, वो भी काफ़ी साल के लिए, और मेरे ब्रदर भी हॉकी खेलते थे, तो ये मेरा फैमिली गेम है। और रही बात लगाव की, तो ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपकी ओवरऑल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ओवरऑल बॉडी की फिटनेस होती है, जो फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करती है बच्चों को। अगर मैं मतलब पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके बच्चों को एक आउटडोर स्पोर्ट्स उन्होंने खिलाना चाहिए, उसमें से हॉकी कैसा स्पोर्ट्स है जिसमें ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, जिससे कि बच्चा हेल्दी रहता है। और जैसे कि आप देखो, कोई भी हॉकी प्लेयर आपको अनफिट नज़र नहीं आएगा, किसी का पेट बाहर नहीं होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है हॉकी एक ऐसे गेम की। कि अगर पेरेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हॉकी खिलाएँ, आउटडोर स्पोर्ट्स खिलाएँ, जिससे कि उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन सर जी, इंजरी फैक्टर जो है हॉकी में क्या कितना रहता है क्या? देखिए, इंजरीज तो एक ऐसा है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इंजरी तो हर गेम में होती है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हॉकी में होती है इंजरी हर गेम में होती है, और यू हैव टू डील विद। और अगर आप ऐसा देखा है तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी इंजरीज होती हैं, कहीं आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो वो इंजरीज से अगर आप भागेंगे तो बेटर है कि आप घर पर रहें, तो आपको कभी बेड पर लेटे रहें तो आपको इंजरी नहीं होगी। तो इंजरी से आप डर छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, इंजरी तो आपको होंगी ही होंगी, बट यू हैव टू डील विद इट। यानी कि इंजरी के से ज़्यादा हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है, और हेल्थ ज़्यादा मिलेगी हॉकी में, ऐसा कॉमन मैन पर्सन को आपको एडवाइस रहेगा? जी बिल्कुल, मैं कॉमन मैन के लिए, मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स खिलाएं, और उनमें से आउटडोर स्पोर्ट्स में हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो ओवरऑल बॉडी को फिट रखता है और बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जिससे कि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हॉकी प्लेयर हमेशा फिट रहता है, और एक बार अगर आप हॉकी खेलना आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको रूटीन में आ जाता है, और थ्रू आउट द लाइफ आप रूटीन फॉलो करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। धन्यवाद सर, यहाँ पे आप NSCC स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू दिया,
आपका नाम भले तुषार खांडेकर जी है लेकिन आप फिर भी यूपी के लिए खेलते हैं, तो महाराष्ट्र की तरफ से और ये एनएसएससी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ घर से इतना कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं कहीं से भी खेलूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भारतीय हूँ और देश के लिए 12 साल के लिए खेला हूँ, तो मेरे रग में हिंदुस्तान का खून है। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू।